शुरू कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो, इस टॉपिक को करने से पहले मैंने आपको पीछे इनके जो डिफरेंस है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, और उसके अंदर मैंने बताया था जो मनी जो कैपिटल मार्केट है ना, वो फर्दर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दिस इज अ प्राइमरी मार्केट एंड दिस अ सेकेंडरी मार्केट, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो कैपिटल मार्केट के जो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट मीन शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, इवन मैं कहूँ कि बाइंग सेलिंग के लिए आपकी दो मार्केट होती है। पहली क्या है, प्राइमरी मार्केट है, दूसरी क्या है, सेकेंडरी। सो ऑब्वियस है ये किसके पार्ट रहने वाले हैं, ये आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये प्राइमरी मार्केट के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट को समझते हैं, क्या कहते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखो, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए ये कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, ठीक है, और इसने एक न्यू कार को क्या किया है, लॉन्च किया है। और मैंने क्या किया, इससे इस कंपनी से डायरेक्ट क्या किया, यहां से इस कार को फर्स्ट टाइम मैंने ही खरीदा है, न्यू कार लॉन्च हुई है, मैंने इसको फर्स्ट पहली बार खरीद लिया है। अच्छा, कुछ महीने के बाद या फिर मैं कहूँ कि एक दो दिन के बाद ही मैंने इस कार को सेल करने का विचार बनाया, ठीक है। और आप यहाँ पर खड़े हैं कि आपने कहा कि मैम हमें दे दीजिए कार, ठीक है। सो मैंने क्या कहा आपको, फिर ये इस कार को क्या कर दिया, सेल कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब इसी तरह से मार्केट में, या कार की बजाय आप ले लीजिए शेयर्स, ठीक है, शेयर्स, या मैं कहूँ बॉन्ड, या मैं कहूँ डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पर जब आप जब कभी भी कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का नया शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, और वो डायरेक्टली किसको इनवाइट करती है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है, इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम उस शेयर्स को बाय करता है, सो वो उस मार्केट को कहेंगे प्राइमरी मार्केट, राइट। जब शेयर्स की डीलिंग फर्स्ट टाइम होती है, मार्केट में पहली बार आ रहा है, तब उसे कहते हैं हम प्राइमरी मार्केट। अच्छा, एक बार खरीदने के बाद हम उसको अगर दोबारा से बेचें, सो वो सभी काम होते हैं आपकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर। समझ पा रहे हैं यहाँ पर दूसरी बार डीलिंग होती है किसी प्रोडक्ट की, बट यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की फर्स्ट टाइम डीलिंग होती है। यहाँ पर केवल न्यू शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। जब भी कोई नया शेयर आता है मार्केट में, वो सबसे पहले डीलिंग होनी चाहिए उसकी प्राइमरी मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद उसकी नॉर्मल डीलिंग होगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है यही सब चीजें है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। क्या लिखा हुआ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट वेयर द न्यू सिक्योरिटी आर क्रिएटेड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। नई सिक्योरिटी क्रिएट होती है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, और पहली बार उस मार्केट में सोल्ड कर रहे हैं। कंपनीज, गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज इशू द न्यू स्टॉक बॉन्ड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। आप क्या करते हो, अपने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली क्या करते हो, इनवाइट करते हो इस पर्टिकुलर शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। द प्रोसेस हेल्प द इश्यूअर्स रेज द कैपिटल टू फंड द न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंड द ऑपरेशंस एंड द पे ऑफ द डेट। ये जो पैसा है कि जो प्रोसेस है, जो इश्यूअर कैपिटल रेज करता है, या फिर किस लिए करता है, या तो उसको नया प्रोजेक्ट करना होगा, या अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना होगा, या फिर जो भी उसकी लाइबिलिटीज बनती है, जो भी उसके डेट्स हैं, उनकी पे ऑफ करने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज को रिलीव करने के लिए वो पैसे को अरेंज करना चाहता है, राइट। ये ओपनली जो भी आपका जो शेयर है फर्स्ट टाइम आता है मार्केट के अंदर, उसे हम कहते हैं नया आईपीओ है। आपने सुना भी होगा, नया कभी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, कभी किसी कंपनी का आईपीओ आता है। दैट मीन इनिशियल पब्लिक ऑफर, मीन्स कि सबसे पहले आपने पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, पहली बार वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए, मीन्स कि जो पहले डीलिंग हो चुकी है और फाइनली अब क्या करने जा रहे हैं, उसकी नॉर्मल डीलिंग की जा रही है, राइट। समझ पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है, मीन्स की जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है सिक्योरिटी, मार्केट में डीलिंग हो चुकी है एक बार उसकी यहाँ पर डीलिंग की जाती है, बॉट एंड सोल्ड किया जाता है अमंग द इन्वेस्टर्स की। आफ्टर द इनिशियल इंश्योरेंस ऑफ द इन द प्राइमरी मार्केट, दीज सिक्योरिटी आर द ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी के अंदर इसको नॉर्मल डीलिंग की जाती है। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बेसिक डिफरेंस देखिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं,
दूसरा यहाँ पर जो पर्पस होता है, प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या होता है कि न्यू कैपिटल को रेज करना होता है। किसे? जो भी कंपनी है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो नई कैपिटल को रेज करती है, नई सिक्योरिटी को सेल करती है मार्केट के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज है, ऑलरेडी जो ट्रेडेड सिक्योरिटीज है, उनके रिगार्डिंग ही ये क्या करती है, डीलिंग करती है। ट्रांजेक्शन की बात की जाए, ट्रांजेक्शन्स कैसी होती है? अब मैंने बताया कि मैंने डायरेक्ट उस कंपनी से परचेज किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टर्स और आपके इश्यूअर्स के बीच में। बट यहाँ पर अगर बात की जाए सेकेंडरी मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अब ये मैंने कहा यहाँ से कंपनी से, कहाँ गया भाई, यहाँ पे मैंने कंपनी से डायरेक्ट इसको परचेज किया, बट यहाँ पे ये भी इन्वेस्टर्स है, मैं एक परचेजर थी, आप एक सेलर हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप बायर हैं, आप पहले मैं यहाँ से बायर थी, बट जब मैं आपको सेल कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या हो गई, सेलर हो गई। सो यहाँ पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स के बीच में रिलेशन होता है, बट यहाँ पर कंपनी टू इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। दैट्स अ रीजन कि इसके हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। बट यहाँ पर किसी भी तरह की डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में होती है। ओके, इश्यूअर इज अ नॉट डायरेक्टली इंक्लूड इन्वॉल्व इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस की बात की जाए, इंश्योरेंस की बात की जाए मीन्स कि यहाँ पर जो कंपनी है जो इशू कर रही है उसकी बात की जा रही है। जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी आर इशू एट द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। बट यहाँ पर ऑलरेडी बीन इशू एंड आर बीन बी रिसोल्व, उसे दोबारा से जो ऑलरेडी इशू कर रखा है उन शेयर्स को, उनको सेल्स परचेज किया जाता है, ठीक है। प्राइसिंग की बात की जाए, जो प्राइमरी मार्केट होती है वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू किया जाते हैं उसका जो प्राइस वो सेट करता है ना, वो आपके अंडरराइटर्स की मदद से या फिर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट की मदद से इन प्राइजेस को सेट किया जाता है। बट सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस होते हैं ना, वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है कि किसी शेयर्स की डिमांड और किसी शेयर्स की प्राइस के ऊपर, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है आपके प्राइस। दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर शेयर्स की सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जाता है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, एक तो जो पर्सन खुद इशू कर रहा है, बीच में जो अंडरराइटर्स होते हैं जिसे मैं कहूँगी इंटरमीडिएटरीज पर्सन्स कहेंगे, ठीक है, और आपका इनिशियल इन्वेस्टर्स होंगे, मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम उस शेयर्स को परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए, इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, डिलीवर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट में ना बस एक फ़र्क है, जैसे कि मैं कहूँगी आपके जैसे एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स का आपने कभी स्टॉक्स में डीलिंग की हो, सो बीच में एजेंट्स के कॉल आते हैं, वो एजेंट्स के कॉल किस मार्केट में आते हैं, आपकी सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में बीच में किसी भी तरह का ब्रोकर नहीं होता, किसी भी तरह का डीलर नहीं होते। अंडरराइटर पर्सन पता है किन्हें कहते हैं, अगर कंपनी के अंदर आपके शेयर्स बिकने की जो गारंटी दी जाती है ना कि हाँ आपके शेयर 90% सेल हो जाएंगे, अगर नहीं सेल हुए तो ये पर्सन क्या करते हैं, इस कंपनी के शेयर्स को बाकी बचे हुए जितने भी नहीं बिके उनको वो क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है। तो उन पर्सन्स को अंडरराइटर कहते हैं, राइट। बट जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पर एजेंट्स बीच में काम करते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ब्रोकर है, यहाँ पे जो आपका आप खुद खड़े हैं, आपके बीच में जो ये वाला पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, वो आपको इस कंपनी के साथ कनेक्ट करवाएगा और कंपनी के साथ, मान लीजिए ब्रोकर है ये, आप है ये, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर चाहता है पैसे इन्वेस्ट करना, ये कंपनी चाहती है कि मेरे को पैसे चाहिए, ये इससे लिंक करेगी, ये इससे लिंक करेगा, इन दोनों के बीच का ये पर्सन होता है ना, उसे ब्रोकर या डीलर कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो पार्टिसिपेंट ये होते हैं। रेगुलेशन की बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट के अंदर डायरेक्ट पर ट्रांजेक्शन्स की जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मार्केट के यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट में बस इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सही ढंग से, सही तरीके से, तौर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, लोकेशन की बात की जाए, प्राइमरी मार्केट की किसी भी तरह से जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, राइट, बट सेकेंडरी मार्केट की जियोग्राफिकल लोकेशन भी होती है और साथ ही साथ वर्किंग आवर भी डिसाइड होता है। वर्किंग आवर आपको पता है कि मार्केट कब स्टार्ट होती है, सुबह 9:15 से स्टार्ट होकर शाम के 3:40 3:15 तक की आपकी मार्केट
ऑफ हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। सो हम क्या कहेंगे, इसकी एक वर्किंग आवर भी होती है और जियोग्राफिकल लोकेशन भी होती है, राइट। बट यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में किसी भी तरह की जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है। सो ये थे आपके बेसिक डिफरेंस जो कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करेंगे ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ठीक है, इसके साथ डीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही कैपिटल मार्केट के ही पार्ट हैं। ओके चलो, तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास देखो कितने पॉइंट्स हो गए हैं, हमारे पास हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में मतलब भी समझ में आ गया, डिफरेंस भी समझ में आ गया, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में भी डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हम पैसे को अरेंज कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, उनके बेनिफिट और उनके डीमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स बॉन्ड राइट शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड शेयर वारंट पब्लिक डिपॉजिट एंड वेंचर कैपिटल, आप यहां पर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। डे बाय डे बेसिस पे आपको हर टॉपिक इन शॉर्ट वीडियो में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करेंगे जो टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे हैं। चलिए,